अपना साथी हैं, निर्दोष साथी हैं, समाज के साथी हैं, नौजवान बच्चे हैं, उनका भविष्य जो खराब किया जा रहा है और सरकार ने सोची समझी साजिश के तहत जो उनका भविष्य खराब करने की नीति बनाई है उसे हरगिज नहीं होने दिया जाएगा। उसके विरोध में पूरा समाज इकट्ठा होकर लड़ेगा। एक अपनी तारीफ के लिए सवाल कर रहा हूँ, पहले आपके पास मीडिया नहीं थी, मान्यवर भी अखबार शुरू करते हैं, बाबा साहब भी मुखनाक शुरू करते हैं, सोशल मीडिया का दौर है, उसमें क्या लग रहा है कि अब आप लोग कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, आप लोग की बात दूर तक पहुँच रही है? नहीं, निश्चित रूप से जहाँ तक सोशल मीडिया की बात है, अगर आज हम खड़े हो पा रहे हैं, यह हमारे देश के एक कोने में कहीं बात होती है दूसरे कोनों तक पहुंचती है, तो उसका सबसे बड़ा श्रेय सोशल मीडिया को ही जाता है। जहां तक मैं अपनी बात कहूं तो मैं भी फेसबुक पर हूं और लगभग सभी ग्रुप में मिला के लगभग 50 लाख लोग मेरे भी संपर्क में हैं। आज हम जो भी कर पा रहे हैं, जो भी कह पा रहे हैं, वो सोशल मीडिया के माध्यम से कह पा रहे हैं। और मैं इसमें फिर से आपको कहूंगा, जैसे आप हैं, SMS वाले हैं, जितने भी मीडिया के कर्मी हैं, और विशेषकर जो बहुजन समाज में से मीडिया उभर रहा है जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि वो आवाज नहीं उठाते, हमें ही अपनी आवाज उठानी पड़ेगी। सबका आभार। मीडिया टीवी अखबार का बायकॉट क्यों नहीं करते, अगर आपको लगता है कि वहां आपकी बात नहीं हो रही? नहीं, निश्चित रूप से हम बायकॉट करते हैं, हम उनके कोई किसी बात को जब भी हम कहते हैं कहीं भी वो हमारी बात दिखाते नहीं। क्यों लगता है, क्यों उस पर ये आरोप लगा रहे हैं आप लोग, तो मेनस्ट्रीम मीडिया क्यों नहीं दिखाता? देखिए, मेरी नज़र में दो कारण हैं। आज की तारीख में मानसिक रूप से गुलाम हो चुका है मीडिया, और केवल सरकार की बात, मुझे नहीं मालूम कि मोदी जी ने या भाजपा सरकार ने क्या जादू किया है उन पे, ये किस तरह से उनका गला दबाया है, लेकिन वो न्याय की बात कहने को तैयार नहीं है। जब जब बहुजन समाज के लोग अपना विरोध प्रकट करते हैं और अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करते हैं, तो जहां भी धरना प्रदर्शन करते हैं तो उस क्षेत्र को एकदम ऐसा छावनी बना दिया जाता है, और छावनी पूरे फोर्स और पुलिस बहुत तादाद के अंदर होता है। और ये देखो, ये जो एक बैनर लगा दिया जाता है उस पर 144 धारा तुरंत उस पर लागू की जाती है कि इस क्षेत्र के अंदर 144 धारा लगी हुई है। जहाँ बहुजन समाज अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करते हैं, ये बड़े विडंबना वाली बात है कि एकदम उस क्षेत्र को छावनी के रूप में तब्दील किया जाता है, कि और डराया जाता है, धमकाया जाता है कि अगर आप इस दायरे से आगे जाएंगे तो हम आपके साथ वही अपनाएंगे जो 144 धारा है। इसको देखते हुए आप बहुजन लोग जाए तो जाए कहाँ, अपनी मांगों को लेके किस पे मांगे? लेकिन उस शब्द को अब मैं दिखा रहा हूँ, पूरा छावनी बना रखा है, और आगे भी ये फोर्स दुनिया भर की यहाँ इकट्ठी कर दी है कि एकदम छावनी, कि अपनी मांग को लेके, कि जो बहुजन समाज है वो अपनी मांग को ना मांग सके, उनको बेहाथ ऐसे ही लौटा दिया जाए। इस तरीके अभी जो ये जनसंघट, ये जो राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी के लोग हैं, यहाँ पर अपना मांग रहे हैं कि जिग्नेश मेवानी पर जो कातिलनामा हमला हुआ है उस हमले को रोका जाए, और जो उस हमले के अंदर गुनहगार हैं उनको जेल पहुँचाया जाए, और इस तरीके की इनकी मांग है।